सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नए साल के मौके पर क्या कहना चाहोगे आपके चाहने वालों को? नए वर्ष के शुभकामना देता हूँ जितने अपने चाहने वाले लोग हैं, हमारे बिहार के बिहारी भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे छमा से छोटे, उनको सब सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत देता हूँ। बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ और उनको भी काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ। उन इस 2020 में काफ़ी उनको बहुत कुछ ऊपर वाले दें, बहुत फले फूलें बस। और हितेश्वर जी, 2019 में आपका एक गाना आया था माइकी गोद में, 2020 में आपका एक नया गाना आया है, सबसे पहले उस गाने के बारे में हमें बताइए, टाइटल से शुरू करिएगा। ठीक है जी। जी एक गाना जो है, ये गाना है मैं हमारे जो बिहार के बिहारी जो मजदूर हैं, जो मेहनती हैं, जो लेबोरियस हैं, जो कि बिहार से निकल के अपना कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए जो दूर जाते हैं काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, उनके लिए है, वो कोई कंडीशन नहीं रखते। जब वो घर से निकलते हैं वो उनको ऐसा नहीं, काम क्या है ये नहीं सोचते, काम करते हैं। वो काम चाहे दूध बेचना हो, चाहे वो पेपर बेचना हो, चाहे वो टैक्सी चलाना हो या ऑटो चलाना हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग शहरों में बनता है, वो ऐसा काम है मजदूरी का, वो काफ़ी वो मतलब कि उनकी क्या चीज़ बताऊँ, जितना चीज़ उनको शुभकामनाएँ दिया जाए और जितना भी, लेकिन उस इंसान को अपने सोसाइटी में उतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो उन्हीं के लिए मैंने गाना बनाया है, बिहार के बानी एक के लिए हम बदनाम बानी, और बहुत सारी बोल है, आगे आगे मैं गाऊँगा जैसे जैसे आप सवाल करेंगे। जैसा आपने खुद कहा कि मजदूर की हैसियत से लोगों को लोग देखते हैं बिहारियों को, तो आपने जब गाना बनाना शुरू किया होगा तो आपने रिसर्च किया होगा, लोगों को देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, बिल्कुल, तो कुछ उस बारे में बताइए कि किस किस लोगों से प्रेरणा लेकर आपने ये गाना बनाया? जी देखिए, बिहार जब से छोड़ा या कहीं भी किए भारत में जहाँ घूमा, ज्यादातर अपने बिहार भाइयों ही दिखे जो काम करते हुए, छोटे काम करते हुए, क्यों, बाकी के जो सोसाइटी के लोग हैं वो रिफ्यूज करते हो काम को, तो हमारे वो बिहारी भाई करते हैं काम को, वो इतने मेहनत से, इसमें हमारे बोल भी है, बोल ये है, मेहनत से खानी, इज्जत से कमानी, जहाँ रहनी वहाँ के रंग में रंग जानी, कितनों भी धूप बा, कितनों भी मौसम का दहाड़ बा, हम बिहारी ना घबरात बा, हम बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, अनकंडीशनल काम करते हैं, उनको कुछ नहीं है ऐसा कुछ, उस हिसाब से हम चाहते हैं उनको कुछ, उनको एक मुकाम मिले, कुछ उनको एक लोग अच्छे से इज्जत करें, उनको एक यही है। आपके भी दिनचर्या में काफी लोग मिलते होंगे, जैसे आप सुबह उठते होंगे, कोई दूध देने वाला आता होगा, कोई प्रेस करने वाला होता है, काफी सारे बिहारी आपसे मिलते होंगे, तो आप उनके उनसे कैसे मिलते हैं, आप उनसे किस तरह से बातें करते हैं? जी एक तो मैं बताता हूँ, दिल की बात है, जितने भी हमारे दूध वाले हों, टैक्सी वाले हों, बड़ा दिल लगता है मुझे बात करने में। मुझे तो बड़े बड़े कॉरपोरेट गए, बड़े बड़े लोग, बड़े लोगों के साथ तो नहीं कह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में भी कहा, लेकिन हमारे दिल लगता है उन्हीं लोग से, एक दूध वाले हों, पेपर वाले हों या सब्जी वाले हों, बड़ा देर तक बात करते हैं उनके साथ हम, कहा भैया कौन से गांव के हो भैया, आए गाजीपुर, कहने के हाजीपुर, हम दिल में बहुत दिल लगता है उनसे, हमको बात करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मज़ा आता है तो उनसे कुछ कुछ सीखने को मिलता है हमको, फिर ऐसे ही ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा माल उठाया हूँ और लिखा हूँ सच्चाई की बात, और क्या टैक्सी वाले से रिक्शा बैठी है क्या मज़ा आता है, थोड़ा रिक्शा वाले से बात करते हैं ऐसे गुनगुना के हंसता है जैसे बरसों से नहीं हंसा हो रिक्शा वाला, अब ऐसा ऐसा मैं सर्च किया हूँ, मैं गूगल पे सर्च करके नहीं लिखा हूँ, खुद के फील से, दिल से लिखा हूँ मैं ये सब गाने, ढूंढा हूँ मैं, दर भटका हूँ लोगों का, ये कोई हमारा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कि ये गाना मतलब ऐसा कैप लगा लिया हीरो बन गया और रैप कर दिया, नहीं जी, मैं ये गाना जाके रोडों पे उन मजदूर भाइयों के पास गया हूँ, सुना हूँ उनके जज्बात की बातें, उनको कहीं कहीं पर हम जरूरत पड़ा कुछ दिया भी हूँ, खाने पीने के लिए भी दिया हूँ, अरे बड़े दिलदार लोग होते हैं, अरे उनको 100 रुपया दीजिए, देखिए ऐसा लगता है जान दे देंगे आपके लिए वो लोग, कभी उनके बारे में सोचिए, है हमारे देश में बड़े बड़े लोग बड़े बने हैं, उनको पता नहीं ऐसा नज़र से क्यों देखते हैं जी, वाइट कॉलर वाले लोग बहुत हैं,
बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, लेकिन इधर नहीं देखते हैं वो लोग, उनको उनको सम्मान के पता नहीं कौन सा मतलब क्या है भाई, आपके घर के कचरा उठा रहे हैं, कोई अगर घर के सफाई कर दिए तो क्या छोटे हो गए जी, बताइए आप ही नहीं है, काम से छोटे मत दिखिए, ये हम तो कहेंगे बहुत बड़े आदमी हैं जो हमारे घर में बड़े बड़े थ्री बी एच के 4 BHK लेकर बैठते हैं हम लोग, उनमें उनकी अपनी मेहनत की पसीना लगा होता है, वो असली मेहनत करते हैं तो जाकर हम 3 BHK 4 BHK एसी में बैठते हैं, हम उनको बहुत एक गाना उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ मैं, समर्पित करता हूँ मैं अपने मजदूर भाइयों भाइयों के लिए, उनके लिए, या रिक्शा वाले हों या वो सब्जी वाले हों या वो बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर हों या वो दूध वाले हों, कोई भी हों, मुझसे मेरा दिल भी बहुत जाती लगता है और अब दिल से उनके लिए एक गाना डेडिकेट करता हूँ। कुछ पहले तो ये गाना सुनना चाहूँगी मैं। जी अच्छा सुनाता हूँ। मेहनत से खानी, इज्जत से कमानी, जहाँ रहनी वहाँ के रंग में रंग जानी, कितनों भी धूप बा ठंड बा या बरसात बा, मौसम के दहाड़ बा, हम बिहारी ना घबरात बा, हम बिहारी ना घबरात बा, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बाहर जब हम कमाए जानी, उन कमाए जानी, सॉरी कट कर, बिहार के बाहर जब हम कमाए जानी, उन लोगों के लाइफ लाइन बन जानी, दूध पेपर सब्जी पहुंचानी, ऑटो टैक्सी सुबह से चलानी, जान जोखिम में डाल के मेहनत से कमानी, हाँ हम बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, हम बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, जब देश की बात बा उन्नति की बात बा, बिहार सबसे आगे बा, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट, बिहार के बहुत बा, बिहार के बहुत बा, नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य नीति, बुद्ध की धरती, बिहार की संस्कृति, भूल गेल का हाँ भूल गेल का, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी। हाँ एक और लाइन है मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा हाफ जाते इंसान, बड़ा बड़ा एकदम लाइव चल रहा है जी, मैं भी जाता हूँ। अच्छा, सत्याग्रह के आंदोलन बिहार से शुरुआत बा, बापू के लख लख धन्यवाद बा, हम हिंदुस्तान के बा बहुत गर्व बा, फिर हम कहे बदनाम बा, बिहार तो देश के आन बान शान बा, हर बिहारी बेमिसाल बा, हर बिहारी बेमिसाल बा, हर बिहारी बेमिसाल बा, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी। जी नमस्कार, थोड़ा बीच वाला कट कर दीजिए। जी आपकी बाकी टीम मेंबर से भी मिलना चाहूंगी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। जी जी बिल्कुल, ये हमारे भांजे लगते हैं और ये रिवान सिंह हैं, इन्होंने पिछले गाने का भी प्रोग्रामिंग किया था, म्यूजिक दिया था, इनका नाम है रिवान सिंह, और ये हमारे नीरज सिंह, असली में ये भांजे हमें इनके हैं, बट हमारे दोस्त हैं तो ये भी उतने के उतने ही इज्जत मैं उनको करता हूँ। इनका नाम है नीरज सिंह, ये मिक्सिंग करते हैं और बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हैं। रिवान, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये गाना आपको कितना पसंद आया है और इस गाने में क्या खासियत है जो आपके दिल के बहुत करीब आ गई? एज यूजुअल वो अच्छा लिखते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, तो ही वॉन्ट्स टू जस्ट एनालाइज वॉट ही वॉन्ट्स टू से, तो उन्हें वैसे ही लिखा हुआ था अच्छी तरीके से, मतलब एक स्ट्रक्चर था उस चीज़ का, तो उन्हें बोला कि हमको थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशनल टाइप लगना चाहिए, तो हम लोगों ने उसी तरीके का म्यूज़िक दिया, इस टाइम कोशिश की है कि सब लोग को पसंद भी आए, सो थैंक यू। सर आप बताइए, कुछ गाने में क्या खासियत लगी आपको अच्छी? मुझे बहुत अच्छा लगा, कंग्रेचुलेशंस हितेश सब टीम, थैंक यू। हितेश जी, इस गाने को दर्शक कहाँ सुन सकते हैं? जी ये तो हमारा चैनल है, उस चैनल का नाम है हिट्स हिप हॉप, वहाँ सुन सकते हैं, वो हिट्स हिप हॉप में HITS नहीं लगाइएगा, HIZ हिट्स हिप हॉप, HIPHOP, वहाँ पे यही कैप वाला फोटो दिख जाएगा जी। आपने सब बिहारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस गाने के माध्यम से? हम सारे बिहारी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि वो बस काम करें, आलतू फालतू पे ध्यान ना दें और बड़ी बड़ी बातें ना करें, काम करें केवल, कि हमारे बहुत सारे भाई हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम ना ले, बस काम पे ध्यान दें और काम करें और काम करके दिखाएं, आप लोग के माध्यम से कोई छुप नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता,
यहाँ से सच्चाई एकदम दिख जाती है और दिल की बात भी दिखती है। बस काम करे हमारे बिहारी भाई, बाकी गाना बनाने के लिए मैं बैठा हूँ, रैप करने के लिए मैं बैठा हूँ। और मैं ये भी एक चाहता हूँ कि जो भोजपुरी में है बहुत सारे गाने बन रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें गाने दिए भी जाते हैं, एकदम थोड़ा उस टाइप के लोग पसंद करते हैं। मैं दर्शकों को ये चाहता हूँ कुछ हमारे टाइप के रैप भी लोग पसंद करें, हम प्रोड्यूसर साहब हों, हमारे डायरेक्टर साहब हों, हम जैसे लोगों को चांस दें कि भोजपुरी में एक रैप निकले, रैप गाना आए। थोड़ा उधर से हटिए साहब, हम लोग भी ध्यान दीजिए, प्रोड्यूसर साहब, बड़े बड़े डायरेक्टर साहब को भी मैं विनती करता हूँ। साथ में एक गाना आपने उनके साथ किया, दोबारा भी आपने आप उनके ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, ये हमारे छोटे भाई की तरह है और ये काफ़ी एक तो बड़ा दिल के अच्छे लड़के हैं, इतना अच्छा दिल का, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। रात रात भर काम करते हैं, कब सोना है उठना इनको पता ही नहीं है। बहुत क्रिएटिव लड़के हैं और बहुत प्यारे हैं, हम तो चाहते हैं कि जिंदगी भर इनके साथ ही काम करूँ। और ये मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने तारीफ किया जाए कम पड़ेगा इनका। शुभम सिंह अब बहुत आगे जाने वाले हैं, हम अभी बता देता हूँ, एक ये अपने भोजपुरी पिक्चर जो बन रही है उसको इस सिस्टम को चेंज करेंगे। इतने क्रिएटिव लड़के हैं, क्रिएटिव माइंड भी रखते हैं, अब बहुत जल्दी पिक्चर भी करने वाले हैं खुद के डायरेक्शन में। एक्चुअली ये जो हमारा गाना है ये उस पेन को दिखाता है जितने बिहारी है जो वहाँ से निकल के, क्योंकि बिहार में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बिहार मतलब पिछड़ा ऐसा लोग कहते हैं, बट जब इसलिए है क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया जाता बिहार पे, तो बिहार के लोग को बाहर आते हैं दिल्ली मुंबई जहाँ बैंगलोर जाके वहाँ करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको ना वो सम्मान वो इज्जत नहीं मिलती है। बिहारी उस जैसे बोलते हैं हम बिहार से, लोग उनको अलग कर देते हैं, एक ग्रुप से अलग हटा देते हैं और कोई कुछ नहीं है। हम बस इस सॉन्ग से वी आर जस्ट शोइंग द पेन ऑफ ऑल द बिहारीज वो आर वर्किंग इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज विद नो लाइक बहुत कम वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? अब किसको इल्ज़ाम लगाएं, किसको इसका वो करें, कुछ कह सकते, लेकिन है ऐसा, बहुत पेन में है जितने बिहार के लोग हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अच्छी पोजिशन पर बैठे हैं जो बिहार के, बट वो लोग कुछ करते ही नहीं है बिहार के लिए। तो हम इस गाने से उन सबको एक तरह से कह सकते हैं कि एक आँख खोलना चाहते हैं हर किसी का, कि वो आए और बिहार को देखें, बिहार को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि अभी भी पीछे हैं हम लोग, बहुत चीज़ों में पीछे हैं। अब तो अभी आर लिविंग इन 2020, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार में अभी समय नहीं है। हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से निकलते हैं, बट क्या आपने कभी देखा है कि कितने ऐसे IAS IPS हैं जो बिहार में ही IAS IPS है? जैसे वो लोग क्लियर करते हैं वो दिल्ली चूज़ करते हैं, UP चूज़ करते हैं, अलग अलग स्टेट चूज़ करते हैं, लेकिन बिहार में अगर 100 IAS IPS निकलते हैं तो 20 ही बिहार में है, बाकी 80 जो है वो बाहर है। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद की सेफ्टी गारंटेड नहीं है बिहार में, ऐसा हालत है। तो इस गाने के थ्रू हम वो सब दिखा रहे हैं, वो एक तरह का मतलब लाइक अ चैलेंज हम बिहार सरकार या फिर जो भी है जो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको बता रहे हैं कि कुछ तो चेंज करो यार, कुछ तो करो, क्यों निकलना पड़ रहा है बिहार से लोगों को, क्यों माइग्रेशन करना पड़ रहा है? बहुत लोग बिहार से निकल जाते हैं, रहते हैं, लेकिन वापस बिहार कभी नहीं जाते हैं। खेत वो सब पड़ा है वो तो गवर्नमेंट ले लेती है या फिर कोई कब्जा कर लेता है, वो पड़े लेकिन वापस नहीं जाते, अपने बच्चों बच्चे सबको ले जाते हैं, नाता तोड़ देते हैं। इस तरह रहेगा तो फिर चलेगा नहीं। तो इस गाने के थ्रू हम वही दिखा रहे हैं बिहार के बारे में कि चेंजेस लानी पड़ेगी और चेंजेस हमें ही लाना पड़ेगा। हम ये गाना आके मुंबई में कर रहे हैं, चाहते तो हम ये गाना पटना गोपालगंज जैसा जीवन वहाँ भी कर सकते थे, बट वही है कि वहाँ हमारा कोई सुनेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इसलिए हमें आके यहाँ बोलना पड़ रहा है। यहाँ है तो आप लोग हैं, आप लोग के थ्रू हम सब दिखा रहे हैं, आप लोग बेस्ट प्लेटफॉर्म हो हमारे इस गाने को दिखाने के लिए। दैट्स ऑल, दिस इज अ सॉन्ग आउट। क्या ये गाना रिलीज हो गया है? हाँ, जस्ट हमने अपलोड कर दिया है इसके, जिस पहले आप उस जाके इनका है हिट्स हिप हॉप नाम चैनल, उस पर आप पूरा गाना देख सकते हो। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अपडेट करते रहेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच।